हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एस्टल फोटोग्राफी में अपनी फोटो पे मिल्की वे कैसे ऐड कर सकते हैं। हालांकि इस पे कई सारे ट्यूटोरियल बन चुके हैं, लेकिन मैं आपको सबसे इजीएस्ट वे बताने वाला हूं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो आपको अपनी फोटो खोलना है पिक्सआर्ट पे। तो अभी यहाँ पे देखिए, मैंने फोटो तो खोल ली है, लेकिन ऊपर जो मेरा स्काई है वो थोड़ा ब्राइट है, तो मैं इसमें कुछ एडजस्टमेंट्स करूँगा, जैसे कि यहाँ पे हाईलाइट्स हल्की सी बढ़ा दूंगा और शेडोज को थोड़ी कम कर लूँगा। ये तो हमारी फ़ोटो के एडजस्टमेंट्स हुई। अब इसके बाद जो काम है, जहाँ पे एडिशनल फ़ोटो हमको ऐड करनी है, उसके लिए हमें ऐड फ़ोटो पे क्लिक करना है और जो मिल्की वे की फ़ोटो है उसको डाउनलोड करके उसको यहाँ पे पेस्ट कर इंपोर्ट कर लेना। मैं आपको वो लिंक दे दूँगा कहाँ से आप ये सब फ़ोटोज़ डाउनलोड कर सकते हैं। उसको आपको रिसाइज करना है अपनी फ़ोटो के हिसाब से। जितनी बड़ी आपकी फ़ोटो है, जहाँ पे जैसे आपको पेस्ट करना है वैसे आप रिसाइज कर लें। उसके बाद यहाँ पे आपको ब्लेंड कर लेना है। ब्लेंड में क्लिक करेंगे तो आपको स्क्रीन का ऑप्शन क्लिक करेंगे तो स्क्रीन में एकदम परफेक्ट ब्लेंड हो जाएगा। और अब आपको उस हिस्से से उसे इरेज करना है जिस हिस्से पे आपको वो मिल्की वे नहीं चाहिए, जैसे कि घास और ये घर, इस पे देखिए ये जबरन दिख रहा है, तो मैं इसे इरेजर की हेल्प से इरेज कर दूंगा। अब जैसे ही आपका ये इरेज हो जाएगा, ये देखिए, मतलब मैं अभी बारीकी से नहीं कर रहा हूँ, एकदम बारीकी से एकदम ध्यान देके करना है, मतलब पूरा उसका एडजस्ट करके ब्रश का साइज वाइज सब आपको एडजस्ट करके करना है। जैसे ही आपका इरेज हो जाएगा, उसके बाद आपको एक चेकलिस्ट है ऊपर, चेकलिस्ट पे क्लिक करना है। चेकलिस्ट पे क्लिक करेंगे तो जो अपनी स्काई जो मिल्की वे है उसमें कुछ हमें एडजस्टमेंट्स करना है। तो उसके लिए आपको ऊपर देखिए एडजस्ट का ऑप्शन दिख जाएगा, वहाँ से आप उसकी क्लैरिटी हल्की सी बढ़ा देना। फिर उसके बाद उसका अपन हाईलाइट्स और शेडोज़ को बढ़ाएंगे। हाईलाइट्स वैसे ही हल्की सी बढ़ा देंगे और शेडोज उसकी कम कर देंगे। शेडो कम करने के बाद, अगर ये आपकी अपनी चॉइस हो सकती है ह्यू वाली, जैसे मैं यहाँ पे ह्यू भी चेंज करूँगा, मतलब हल्का सा, मतलब थोड़ा लाइट ब्लू कलर में करूँगा। आप यहाँ पे अपनी पसंद के हिसाब से ह्यू रख सकते हैं। ह्यू सेलेक्ट करने के बाद आपको बस राइट पे क्लिक करना है। एक बार चेकलिस्ट पे क्लिक करेंगे तो आपकी फ़ोटो यहाँ पे हो जाएगी तैयार। एक बार बिफोर एंड आफ्टर में आप एक बार देख लीजिए और ये रही अपनी फाइनल फोटो। इन दी एंड में यही बोलना चाहूँगा कि अगर आपको मेरा काम पसंद आया तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।